वेलकम टू स्वातीज यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आई हूँ कोलकाता अपने सिस्टर के घर और यहाँ से आपको लेके चलूँगी कोलकाता की सबसे अफोर्डेबल एंड बेस्ट मार्केट, जो कि लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली मार्केट एस्प्लैनेड में है, जिसे धर्मतला भी बोलते हैं। तो आप देखोगे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सिर्फ आप शॉपिंग नहीं कर सकते, खाने की भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोलकाता के स्पेशल स्ट्रीट फूड आपको वहाँ पे दिखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो अभी मैं न्यू मार्केट आ चुकी हूँ और अभी आपको न्यू मार्केट का मार्केट दिखाती हूँ। तो ये है एसएस हॉग मार्केट और ये न्यू मार्केट का पिछला हिस्सा है म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग के पास। और यहाँ पे आपको बैंगल्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 500 तक जाती है और हर तरह के बैंगल मिल जाते हैं, चूड़ा और जयपुरी बैंगल्स जो होते हैं वो भी। तो आप इस रेंज को ज़रूर विज़िट करें अगर आप बैंगल ख़रीदना चाहते हो। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ एसएस हॉग मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट ब्रिटिशर्स के टाइम की बनाई हुई मार्केट है और इस मार्केट का डिज़ाइन आप देखो, एकदम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जैसी मार्केट होती है ना, वैसा ही है। अगर आप न्यू मार्केट आए और आप इस मार्केट के अंदर नहीं आए तो आपने कुछ बड़ा मिस कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी मार्केट है, बाहर तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते ही हैं पर अंदर आपको बहुत से पुराने पुराने शॉप्स मिलते हैं कन्फेक्शनरीज़ के, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पेस्ट्रीज़ मिलते हैं और साथ ही एंटीक सिल्वर ज्वेलरी शॉप्स भी बहुत सारे हैं। साथ ही इस तरह के 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी भी मिलती है इस मार्केट में और इससे पहले वाली न्यू मार्केट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है कौन से शॉप में मिलती है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिलेगी। और इस तरह के ट्रेंडी ज्वेलरीज तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं और भी बहुत कुछ है, आप ज़रूर विज़िट करें इस मार्केट को। भैया कितने है ये सब? ये 300। तो अब मैं आ गई हूँ सिम्पार्क मॉल की तरफ और क्रिसमस नज़दीक है तो आप देखो डेकोरेशन के लिए कितने प्यारे प्यारे चीज़ मिल रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ओबेरॉय ग्रैंड के पीछे वाले हिस्से में और यहाँ पे मोस्टली आपको शरारा, वेस्टर्न वेयर और बहुत अच्छे अच्छे टाइप के शूज़, फुटवेयर मिलते हैं और साथ ही हैंडबैग्स भी। तो इस तरह के ड्रेसेस मोस्टली शरारा और गाउन जो थे वो 1250 के थे और जो कुर्ता पजामा और दुपट्टा के साथ सेट थी वो 650 करके थी। कलर और भी बढ़िया बढ़िया कलर है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही अच्छा है और इसका जो दो कलर है वो भी बढ़िया कलर है। और ये शरारा है 1250 की। टेन से लेके 30 रुपीज़ तक स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले आपको 30 रुपीज़ वाली दिखाती हूँ, फिर 100 तक जाऊँगी और बाकी सारा कुछ कवर करूँगी, स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं आ गई हूँ 3 लेदर्स के पास और जो 30 रुपीज़ वाले इयररिंग्स होते हैं वो मोस्टली आपको इसी साइड में मिलेंगे।
तो इसी ईयरिंग्स के शॉप के पास आपको ये वाली बैग की शॉप दिखेगी, और ये बैग्स हल्के फुल्के ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, 250 के होते हैं। और उसी के पास आपको ये वाली एक और शरारा की शॉप दिखेगी, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे और प्राइस सेम थी। और इस तरह की कुर्ता पजामा दुपट्टा सेट जो थे वो 650 के थे और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, आप ज़रूर चेकआउट करें आके। कुर्ता और क्या प्लाजो सेट है, तो ये वाली कुर्ती की शॉप आपको ये कोलकाता पुलिस लिखी हुई है उसी के ऑपोजिट मिलेगी। और अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ का फेमस पुचका। तो इन भैया के पास मैंने पहले भी पुचका खाई हुई है, बहुत ही टेस्टी होती है इनकी पुचका। तो इनके पास दो तरह की पानी होती है, एक नींबू पुदीना वाली और एक मीठी वाली। मैं दोनों मिक्स करके खाना पसंद करती हूँ, आपको कौन सी वाली पसंद है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और 20 के आपको 5 पीसेस मिलते हैं पुचका, और ये चाट भी 20 रुपीज़ की प्लेट आती है। तो इन भैया की लोकेशन आप देख लो, टाइटन शोरूम के पास है, और उसी के ऑपोजिट आपको ये वाली कुर्ती की शॉप दिखेगी। और यहाँ पे भी बहुत सारे कलेक्शन थे कुर्तीज़ के, जो कि 200-250 से स्टार्ट थे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, और इस एरिया में आप देख सकते हो स्ट्रीट फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और चारों तरफ आपको बस मार्केट ही मार्केट दिखेंगे बहुत सारी भीड़ के साथ। और कोई ओकेजन में तो आप मुश्किल से पैर ही रख पाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ श्रीराम मार्केट, और ये भी बहुत पुरानी शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगाज, गाउन्स, और पूरे फैमिली के लिए आप शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारे शॉप्स हैं। तो अगर आप पूरा न्यू मार्केट घूमना चाहते हो, आपके एक दिन कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और आप अगर थक जाओ तो आप इस मॉल में आके, यहाँ पे मसाज मशीन भी है, आप पैरों की मसाज करवा सकते हो, और फिश पा भी है। तो इन जीन्स की प्राइस 699 से स्टार्टिंग थी। तो इस मॉल की और न्यू मार्केट की ओपनिंग टाइम होती है सुबह 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और संडे को ये मॉल बंद रहती है, न्यू मार्केट भी अधिकतर बंद ही रहती है। तो इस तरह के जितने भी कुर्ती के शॉप्स थे वो 200 से स्टार्ट थे। शॉप में जो स्विंग बैग्स थे वो 250 से स्टार्ट थे, और इसी के पास ये स्वेटर और श्रग मिल रही थी। तो इन नेक पीसेस की स्टार्टिंग प्राइस 100 थी, और बैंगल्स जो है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये 150 की थी सिल्वर वाली, मुझे बहुत अच्छी लगी।
तो इस टाइप के ईयरिंग्स आपको 150-250 तक में मिल जाएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने गरियाहाट मार्केट को भी कवर किया है, वहाँ के विंटर कलेक्शन को, तो वाली वीडियो आप ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिलेगी। और इस शॉप में आपको आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, तो आप आके ज़रूर देखना। और सनग्लासेस भी आपको 60-70 से स्टार्ट हो जाती है। तो पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद अब जब मैं पेरेसिन होटल की तरफ आई ना, तो मुझे ये वाली बहुत अच्छी शॉप दिखी। यहाँ पे आप लहंगा देखो, कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर लहंगा है। भैया लहंगा कितना, कितने से स्टार्ट है? 2000। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।